3 मई 1999 को शुरू हुआ था कारगिल युद्ध और 26 जुलाई 1999 को खत्म हुआ, जिसमें भारत ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की। ये युद्ध 2 महीने 3 हफ्ते और 2 दिन तक चला था। इस युद्ध का कोड था ऑपरेशन विजय। 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत की याद में हर वर्ष कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। ये दिन भीषण युद्ध के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा की गई बहादुरी और बलिदान का सम्मान करता है। पाकिस्तान के खिलाफ इस सफल ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। पाकिस्तान पर भारत की जीत का जश्न मनाने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। भारतीय सैनिकों की वीरतापूर्ण कार्य, आश्चर्यजनक बहादुरी और दृढ़ संकल्प ने 55 दिन के युद्ध के दौरान पाकिस्तानियों की नियमित सेना और पाकिस्तान की अनियमित सेना को पीछे हटाने और रक्षा स्थान खाली करने के लिए मजबूर कर दिया। 13 जम्मू कश्मीर राइफल के कप्तान विक्रम बत्रा को 1999 में कारगिल में शुरू किए गए ऑपरेशन विजय के दौरान पॉइंट 5140 पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। दस्ते के नेतृत्व करते हुए उन्होंने निडर होकर आमने सामने की लड़ाई में 4 दुश्मन सैनिकों को मार दिया। 85 दिन तक चले कारगिल युद्ध में 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच में हुए युद्ध के दौरान हिमाचल के 52 जवानों ने अपनी शहादत दी थी। अपने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे। हिमाचल का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां के जवानों ने अपना बलिदान ना दिया हो। हिमाचल में जिला कांगड़ा से 15 जवानों ने, मंडी से 10 जवानों ने, हमीरपुर से 8 जवानों ने, बिलासपुर से 7, शिमला से 4, ऊना से 2, सोलन सिरमौर से 2-2 लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और पाकिस्तान के सैनिकों को वहां से भगा दिया था। इंडियन ऑफिशियल फिगर्स के अनुसार 527 लोग इस युद्ध में शहीद हुए, 1363 लोग जख्मी हुए। एक फाइटर जेट प्लेन को पाकिस्तान द्वारा उड़ा दिया गया। एक फाइटर जेट प्लेन क्रैश हो गया और एक हेलीकॉप्टर को पाकिस्तानियों ने उड़ा दिया। अपनी बहादुरी के कारण जाने जाने वाले 4 लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान के सैनिकों को लोहे के चने चुपवा दिए। ये 4 परमवीर चक्र विजेता है योगेंद्र सिंह यादव। ये 18 ग्रेनेड से रेजिमेंट से संबंधित परमवीर चक्र विजेता लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जो कि 1/11 गोरखा राइफल से संबंधित रखते थे। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन विक्रम बत्रा, जो 13 जैक राइफल्स से संबंधित रखते थे। परमवीर चक्र विजेता राइफलमैन संजय कुमार, जो कि 13 जैक राइफल को संबंध रखते थे। 11 जवानों को भारत सरकार ने युद्ध के उपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया। हम सलाम करते हैं भारत के इन वीरों को, जिन्होंने कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान के सैनिकों को न केवल अपनी जमीन से भगाया, बल्कि इस युद्ध में विजय भी प्राप्त की। और हम उम्मीद करते हैं हर भारतवासी से कि वो भी भारत की तरफ उठने वाले हर देश का इसी तरह मुकाबला करें और
भारत को विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत।